आप लोग यहाँ भी रह सकते हैं। Hallelujah, thank you Jesus. आइए अपने मनों को बोलते याद करेंगे, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Welcome. Thank you, Jesus. जय मसीह की सबों को, आप लोग सब खुश हैं? Yes. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए. आज लोग एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया. इधर वाले उधर को देख के और उधर वाले इधर को देख के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया. जय मसीह की. ओके, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं. आज हम लोग स्पेशली जो करने जा रहे हैं, हम लोग आराधना और प्रार्थना करने जा रहे हैं. और एक वचन आप लोगों के साथ पढ़ के मैं आज की सर्विस को स्टार्ट करूंगा जो हमें मिलता है उत्पत्ति 18:9-14 में, जहां पर आप लोग समझ जाएंगे अब्राहम और सारा के बारे में. वहां यूं लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वो तंबू में है. उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र, मेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा. सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी. अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था. इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा. तब सारा डर के मारे या कहने कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी. उसने कहा, नहीं तू हंसी थी. अगर हम 14 में पढ़ें, वहां लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज हम लोग जब इस आराधना को स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसी वर्स के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा. आप लोग सबसे पूछना चाहूंगा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हमारे फैमिलीज में चाहे कुछ भी हो, डिफिकल्टीज हो, उतल पुतल हो, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हम लोग सिंगापुर में बहुत सालों से आए हैं, बहुत कुछ हमने देखा है, दिन महीने साल से चीजें नहीं बदली हैं, मगर आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. और उसी विश्वास के साथ आज हम लोग अपनी आराधना को स्टार्ट करेंगे, उसी विश्वास के साथ आज हम लोग अपनी सर्विस को स्टार्ट करेंगे. आप लोग सब एक बार मन में, हम लोग सब जोर से बोलेंगे, यहोवा के लिए सब कुछ संभव है. यहोवा में सब कुछ संभव है. आपके परिवार में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप लोग अपने परिवार के सिचुएशन को ले बोलिए, यहोवा में सब कुछ संभव है. आप लोग ये विश्वास करते हैं? हालेलुया. आइए हम लोग इस विश्वास के साथ, चाहे हमारा विश्वास हो सकता है आज राई के दाने के समान हो, उसी छोटे से विश्वास के साथ, मगर वो आपका निजी विश्वास है. किसी और का विश्वास हो सकता है बहुत बड़ा हो, आपका विश्वास आज इतना सा ही है, उसी छोटे से विश्वास के साथ आज हम परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर उसको सराहेगा और आपकी विश्वास को आप सच होते हुए देखेंगे. क्या हम लोग सब विश्वास करते हैं? यहोवा हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है. वो हम सबों से निजी रूप से प्रेम करता है. हम लोग सब परमेश्वर के फेवरेट्स हैं.
आप लोग सब निजी रूप से परमेश्वर के लिए फेवरेट है। राहुल भाई परमेश्वर के फेवरेट है, सिस्टर अंजलि, सिस्टर ग्रेसी, आप लोग सिस्टर अलका, जितने लोग यहाँ बैठे हम लोग सब परमेश्वर के फेवरेट है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को अपने खून से खरीदा है। हालेलुया। हम लोग आम इंसान नहीं है, हम लोग सब परमेश्वर के फेवरेट है। तो आप हम लोग सब इस समय जब यहाँ पर भवन में है, हम लोग उसी विश्वास के साथ अपनी सर्विस को स्टार्ट करेंगे। यहोवा में कुछ भी असंभव नहीं है, यहोवा में सब कुछ संभव है और हम सब यहोवा के खून से खरीदे हुए हैं। हालेलुया। आइए अपनी भी जगह पे हम लोग इसमें खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तू महान है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है, वो नाम हम लोगों को दे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आराधना को वर्शिप वाले इस समय आगे आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना के साथ अपनी इस समय सर्विस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तू महान है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है, तूने ये दिन दिया है खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरे जैसा कोई नहीं है, धन्यवाद यीशु। इस समय अपने अपने मुंह को खोलकर हम लोग आराधना अपने मुंह से इस तरह धन्यवाद की बातें बोले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं, अपने आप को छोटा ना समझे। परमेश्वर में आप उत्तम है, परमेश्वर में आप फेवरेट है, परमेश्वर ने आपको अपने खून से खरीदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने मुंह को खोल के हम लोग थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे। हमने अपने बॉस को थैंक यू बोला, हमने अपने दोस्त को थैंक यू बोला, इस समय हम लोग परमेश्वर को थैंक यू बोलेंगे। धन्यवाद खुदावन, आपका अनुग्रह हुआ कि आज के दिन हम जीवितों के जमीन में जीवित है खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस भवन के लिए जो आपने हम सबों को दिया है, जहां हम मिलकर आपकी आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन रोजगार के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन इस स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन आपने संभाला है खुदावन, धन्यवाद देते हैं फैमिलीज के लिए, धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे पिता, इस समय हमारी आंखों को खोल, आंखों को खोल के हम तेरे भले कामों को देखने पाए खुदावन। यीशु मसीह के नाम से आंख में से हर एक पट्टी यीशु मसीह के नाम से उतर जाए जो हमें परमेश्वर के भले कामों को देखने से रोकती है। यीशु मसीह के नाम से कान में लगे हुए हर एक पट्टी को मैं ब्रेक करता हूँ जो शैतान रोकता है परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के विश्वास को, परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, पवित्र आत्मा इस समय आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। मनुष्य के मन में बहुत सारी प्लानिंग होती है, मगर खुदावन हम अपनी प्लानिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस जगह खुदावन इस समय हम पवित्र आत्मा आपका अभिषेक मांगते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर इसमें दुआ करते हैं कि दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक लेडीज, एक एक जेंटलमैन, इस समय सबको आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। हे प्रभु, हम चाहते हैं यहाँ पर आपका काम, यहाँ पर आपका आत्मा मंडरा है। हे प्रभु, प्रार्थना के शब्द हमारे मुख में आप डाले, आगे की पूरी सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस समय जब हम गीतों में जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारा कठोर हृदय इस समय कोमल हो जाए, ताकि उसमें खुदा आप और केवल आप नजर आए खुदा। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कठोर हृदय को मैं ब्रेक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, और उसमें दुआ करता हूँ कि वो कोमल हो जाए। यीशु मसीह के वचन के द्वारा वो शांति पाए, प्रेम पाए। हे प्रभु, आगे की पूरी सर्विस को आपके हाथ में सौंपे, हमारे मुख से, हमारे जीवन से, हमारे हृदय से, हमारे हाथों से, हर एक चीज के द्वारा खुदा केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। हम घटे, आप बढ़े, और हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। हम लोग आराधना में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, अपने हथां अपने आवाज होंगे कि असि अपनी कमांडना करिए, अपनी आवाज से, अपने हथां से, अपने साजा से, सिर से सिर्फ असि कमांड करिए कि असि सारे मैं प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं, ना कि अपनी आवाज से, ना हथां से, ना साजा से। प्रभु तो मंगिए कि सानू अच्छी आवाज दे, ताकि असि पूरे होर जिते जिते प्रभु सानू मौका दिता असि उसके लिए इस्तेमाल होंगे जाइए, अपनी आवाज के द्वारा, अपने साजा के द्वारा। अभी असि प्रभु की महिमा शुरू करांगे। प्रभु तो मंगन दा, आपकी दुआ दे रस्ते
जो भी साड़ियाँ लोड आ अकॉर्डिंग टू लिस्ट असी उस तो पहले असी खुदा तो मंगांगे तो मैं एक कोर्स का बोलांगा दुआ दे रिलेटेड सो असी ये सारे सारियां नु मंगा जी सारे पंजाब इंडिया नु तो प्लीज असी इस पर मंगावांगे कोर्स दुआ से क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ से क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता दुआ से क्या नहीं मिलता से क्या नहीं मिलता मांगे तो क्या नहीं मिलता करीम जब पाक दिल से करे तो क्या नहीं मिलता दुआ से क्या नहीं अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे कर दे अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे कर दे अपनी सामर्थ से भर दे अभिषेक मुझे Daddy.
प्रार्थना करना चाहते हैं मगर बहुत मुश्किल हो जाता है प्रार्थना करना। प्रार्थना के शब्द हमारे मुख से नहीं निकलते, हमें समझ नहीं आता है हम इस समय क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। इसीलिए हम लोग होली स्पिरिट को वेलकम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को वेलकम कर रहे हैं कि प्रार्थना के शब्द भी हमारे मुख में परमेश्वर की डाले। अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे अभिषेक मुझे कर दे। निजी रूप से पवित्र आत्मा को सब लोग वेलकम करेंगे।
कहानी अलग अलग है, हम सबों को परमेश्वर ने निजी रूप से बचाया। हालेलुया, क्या आप सबों को परमेश्वर ने निजी रूप से संभाला है, बचाया है? हम लोग सबकी अलग अलग कहानी है, कोई पंजाब से है, कोई जलंधर से है, कोई हरियाणा से है, मैं जगह के नाम भी नहीं जानता हूँ वहां से आप लोग सब यहाँ पर है, मगर हम लोग सबकी अपनी अलग अलग कहानी है, मगर हम सबों को परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर ने संभाला है। पीछे मुड़ के ना देखें, पिछले एक हफ्ते में ही अगर आप लोग देखेंगे परमेश्वर ने आप सबों को संभाला है। बहुत सारा अलग अलग सिचुएशन हुआ होगा सबके लिए अलग अलग सिचुएशन था, लेकिन परमेश्वर ने ही बचाया, परमेश्वर ने ही संभाला। हम अपने मेहनत से, खूबी से, लियाकत से कुछ नहीं कर सकते, केवल परमेश्वर का फजल है और कुछ नहीं। हालेलुया, इस समय परमेश्वर को धन्यवाद के साथ इसमें हम लोग बोलेंगे। तूने बचाया है, विश्वास से बोले, तूने संभाला, धन्यवाद के साथ बोले, तूने बचाया है, तूने संभाला है। ये आपकी गवाही है, तेरे फजल से यीशु, हाँ बताओ, तेरा फजल ही था, कुछ नहीं, उजाला उजाला है, तूने संभाला है, और हमारा विश्वास है कि आगे भी आप संभालेंगे। अगर आप लोग विश्वास करते हैं तो इसमें ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे गायकों और आप सारे बहन भरा ना, तो खुल के जितनी वर्शिप खुल के करोगे ना, खुदा दे लेगा। अपने कई यार जो आप वर्शिप कर रहे हैं सारे बंदे खुल के याद रखियो, हालेलुया और गाया करो जिन्ना गाया जिन्ना मैं आज महसूस हो रहा है जिन्ना पहले बंचे खड़े हैं और गा रहे हैं हालेलुया और दिन प्रति दिन सारी चर्च वादी जा रही है ब्लेस होने जा रही है हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस समय आप लोगों के लिए पढ़ूंगा जो प्रेरितों के काम में लिखा है 2। ये उस समय की बात है जब पेंतेकोस्त का समय था। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे। हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर इस समय इकट्ठा हैं, वहां पर वो लोग उस समय इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा और इससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठ ठहरी। वो पवित्र आत्मा था, सबके ऊपर आठ है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उसी पवित्र आत्मा को आज हम लोग यहां वेलकम करते हैं कि जिस तरीके से पवित्र आत्मा उस जगह काम कर रहा था उसी तरीके से यहां पर आप काम करें। आप में से सब लोग परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है और आप लोग सब परमेश्वर आप सबों के लिए एक अद्भुत प्लानिंग रखता है। आगे फिर यूं लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है, अंत के दिनों में, हम लोग सब जानते हैं अंत का दिन आ चुका है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा, ये परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, क्या हम सब विश्वास करते हैं? Yes, उसी पवित्र आत्मा को इस समय हम लोग वेलकम करेंगे, निजी रूप से आप सब हमको छूएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरा रूह इस जगह पर मंडरा रहा है। रूहे पाक खुदावन्ना जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावन Oh
जब आते हैं।
हम जानते हैं खुदा आपके वायदे के अनुसार आप इस जगह पर मौजूद हैं। हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ नहीं है, तू इस जगह पर मौजूद है खुदा, यहाँ पर तू काम करने वाला है खुदा। मैले हमारे अंदर से खुदा आज धुल जाए, धुल जाए, धुल जाए, धुल जाए। जिस तरीके से हम इस चर्च के दरवाजे के अंदर एंटर करे थे खुदा, उसी तरीके से बाहर ना जाए, बदल के जाए, धुल जाए, धुल जाए, धुल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम सब धुल जाए। शैतान तो हार गया, जिसको हम क्लेम करते हैं शैतान हार गया। हम सबके निजी रूप से निजी जीवन में शैतान हार चुका है। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य से कुछ नहीं करते, मगर पवित्र आत्मा और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है। इस समय खुदावन्द यीशु मसीह के नाम से मैं आपकी आशीष को इन लोगों के ऊपर रिलीज करता हूँ। आपकी रूह से ये सब भर जाए, हम सब भर जाए, मैं भर जाऊं। इस समय दुआ करता हूँ जब हम लोग यहाँ इकट्ठा है, इनके घरों के लिए, इनके रूम्स के लिए आपका रूह इस समय उस जगह पे जुम्बिश करे, डेरा करे, भर जाए, बस जाए। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन सबों को निजी रूप से आप आशीष दें, और ये आशीष आगे चलकर ये दूसरों के पास लेके जाएं और दूसरे इनके द्वारा आशीष पाएं। हे प्रभु हम कुछ नहीं, मगर आपका आत्मा अद्भुत काम करना चाहता है। आपका अद्भुत आत्मा, आपका आत्मा इन सबों के जीवन में अद्भुत रीत से काम करना चाहिए। हे प्रभु आगे की पूरी सर्विस को आपके हाथ में सौंप, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी जगह पे हम लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर में सब कुछ संभव है। सब लोग बोलेंगे परमेश्वर में सब कुछ संभव है। साइट चर्च वो कितने लोग आज साइट चर्च का टी शर्ट पहन के आए हैं? और इस समय मैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछूंगा, साइट चर्च को कितने साल हो गए हैं? 15 ईयर्स हो गए हैं। और 16 साल चल रहा है, सोलह साल हो गए हैं और अभी चल रहा है। चाहे 15 हो या 16 हो, जब साई चर्च स्टार्ट हुआ था, केवल इंग्लिश मिनिस्ट्री से स्टार्ट हुआ था। एक चर्च ने साई चर्च को फ्री में 1 साल 2 साल सर्विस करने के लिए मौका दिया, और वहां पर सर्विस स्टार्ट हो रही थी। और वहां से परमेश्वर ने तेलुगु मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, फिर तमिल मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, फिर आज हम लोग सब यहाँ पर हिंदी मिनिस्ट्री के रूप में इकट्ठा है। परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर अपने काम पे जारी है, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। हम लोग उसी विश्वास के साथ यहाँ पर इकट्ठा है, और हम लोग आज विश्वास के साथ दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आगे भी हम सबों को संभालेगा। क्या आप लोग सब विश्वास करते हैं? हमारे चर्च के लिए इस समय सबसे बड़ी एक प्रेयर टॉपिक है, और वो प्रेयर टॉपिक के लिए किसी को पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, मगर आप लोग सब जानते हैं क्या है वो प्रेयर टॉपिक। नंबर 1, चर्च बिल्डिंग। 30 अप्रैल को हम लोग के इस जगह पर जहाँ हम लोग यहाँ पर है, 30 अप्रैल के बाद हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकते। 30 अप्रैल के पहले हम लोगों को साइट चर्च के लिए एक नई बिल्डिंग ढूंढनी है, नई जगह हम लोग को जाना है। हम लोगों का रेंट जैसा हम अफोर्ड कर सकते हैं हम लोगों को वो चाहिए। परमेश्वर हम लोगों को अब तक संभाला है, आगे भी संभाले, तो रेंट के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं, जगह के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसी जगह दे जहाँ हम लोग सब आराम से जा सकें और कंफर्टेबली जा सकें। मगर मैं आप लोगों से भी जानता हूँ और मानता हूँ कि हम लोग चाहे कहीं भी हों, आप लोग जरूर से वहाँ आएंगे, आएंगे yes. हालेलुया। हम लोग दुआ कर रहे हैं चारों सर्विस के लिए जगह हो। सबसे पहले हो गया रेंट, उसके बाद हो गया लोकेशन, उसके बाद हो गया अलग अलग कमरे हो, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बच्चों की सर्विस के लिए, और अभी बांग्ला सर्विस भी स्टार्ट हो रही है, उसके लिए जगह हो। और सबसे बड़ी जो सिंगापुर में बहुत कम चर्चेज में होता है, हम लोग सब एक साथ मिलकर डिनर करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं उस जगह डिनर करने की भी फैसिलिटी। बहुत लोग रेंट करते हैं मगर कहते हैं खाना यहाँ नहीं खाना है। अनु, जितने लोग आप लोग घर भी आए होंगे, हम लोग सब लिविंग रूम में खाते हैं। अनु कहती खाना लेके बेडरूम में
नहीं जाना है। चीटी खाना गिर गया, चीटी आ जाएगी, उसको भगाने में बहुत टाइम लगेगा। उसी तरीके से बहुत लोग कहते हैं यहाँ पर आप चर्च सर्विस कर सकते हो मगर खाना यहाँ नहीं खाना है। तो हम लोग दुआ कर रहे हैं कि वो भी, ये सब उन लोगों की निजी नीड है। आप लोग सबको डिनर करने में अच्छा लगता है, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर आप लोग सब, बाइबल में वो बहुत ही फेमस पेंटिंग भी आप लोग देखे होंगे, जीसस क्राइस्ट और बाकी सब लोग वहां पर डिनर कर रहे हैं साथ में, राइट। उस पेंटिंग का क्या नाम है? लास्ट सफर। हम लोग भी जब सफर करते, यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ सफर करते थे, सफर मतलब खाना, डिनर खाते थे, लंच खाते थे। हम लोग सब भी जब हम लोग यहाँ चर्च में आते हैं, ये सारा जो मैं खाना खाता हूँ मुझे काफी मसाला लगता है जब मैं खाता हूँ, लेकिन चर्च में जब खाता हूँ मुझे कुछ नहीं लगता है, मगर क्योंकि मुझे अच्छा एंजॉयमेंट लगता है और परमेश्वर का आत्मा होता है। तो हम लोग सब उस जगह के लिए भी दुआ कर रहे हैं जहाँ हम लोग खा भी सके। टाइमिंग भी हम लोग के लिए दुआ कर रहे हैं कि टाइमिंग भी, तो आप लोग ये सोचिए कि हम लोग को साइफ चर्च के लिए चर्च के लोकेशन चाहिए और फिर भी हम लोग इतने ज्यादा डिमांडिंग है। हमें लोकेशन भी अच्छा चाहिए, हमें रेंट भी अच्छा चाहिए, इतने सारे कमरे भी हों और वहां खाना भी खा सकें और समय भी जो हम चाहते हैं वो, इतना कुछ मांग रहे हैं, मगर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। कुछ साल पहले आप लोग सब ने साइफ चर्च का वैन देखा है, कुछ साल पहले साइफ चर्च के पास वैन नहीं था। हम लोग दुआ कर रहे थे वैन के लिए, पास्टर प्रीतम के मन में परमेश्वर ने डाला कि हमें साइफ चर्च के लिए वैन की जरूरत है, अगर वैन होगा तो हम लोग बहुत चीजें कर सकते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे वैन से पता नहीं कितनी चीजें होती हैं, चाय आप लोग देख रहे हैं, ब्रेड देख रहे हैं। आप लोग ये सोच लीजिए अगर वैन नहीं होता तो कैसे लेकर आते। आज रमेश भाई ये कहोन लेके आए, उठा के दिखाएगा रमेश भाई कहोन कैसा होता है। ये कहोन है, इसको बस में लेकर आए। जब आप लोग सोच लीजिए हम लोग चाय भी उठा के ला रहे हैं बस में और ब्रेड भी उठा के ला रहे हैं बस में। परमेश्वर ने हम सबों को वैन दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो बहुत साल पहले हम लोग वैन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, हम लोग सब ने दुआ करी, हम लोग सब ने अपने अपने तरफ से पैसे दिए ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकें। और वैन का जो टोटल बिल था आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, $175,000 हिंदी में आज उसको इंडियन रुपीज में उसको आज ट्रांसलेट करेंगे तो 96 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 96 लाख रुपए वैन, एक वैन का दाम होता है। हम लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने वो हमें फ्री में मुहैया कराया। हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया मगर जो भी अमाउंट बच गया वो सब सब इसने हमें डोनेशन में दिया, दान दिया हम लोगों के काम को, तो परमेश्वर ने मुहैया कराया। परमेश्वर के लिए क्या कुछ संभव है? हम लोग दुआ कर रहे थे, 96 लाख का वैन आता है, हम लोग उसके लिए फंड इकट्ठा करते, हम लोग सबने दिया और सब कुछ जो है फिर बाद में जो बच गया अमाउंट वो किसी ने फ्री में दे दिया और हम लोगों को वैन फ्री में मिल गया। और इसके साथ साथ परमेश्वर दुगनी आशीष देता है। सेकंड वैन के लिए हम लोगों ने दुआ भी नहीं करी थी और सेकंड वैन भी हम लोगों को फ्री में दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है। तो हम लोग इस समय जब चर्च के लिए दुआ कर रहे हैं हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के समय में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के तरीके में परमेश्वर हमें बेस्ट देगा। आइए अपनी जगह पे हम लोग खड़े होंगे और इस समय हम लोग चर्च के लिए दुआ करते हैं। थैंक यू जी। आप लोग सब प्रार्थना योद्धा हैं, आप लोग सब प्रेयर वॉरियर्स हैं। अपने आप को छोटा ना समझें क्योंकि आपके पास जबान है, उस जबान पर यीशु मसीह के लोहे की छाप जल लग जाती है। पवित्र आत्मा में होकर के जब हम दुआ करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हम जब दुआ करते हैं तो परमेश्वर में सब कुछ संभव हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस समय मैं गुलशन भाई को बुलाऊंगा और वो हम लोगों को इस समय स्टार्ट कर देंगे चर्च के लिए प्रेयर करने में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास के साथ हम लोग दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु चर्च बिल्डिंग के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, खुदावन आपने मौका दिया है मुझे दुआ के लिए। खुदा वचन कहता है तुम मांग मैं तुझे दूंगा। यहोवा हम मांगते हैं खुदावन आप दे चुके उस बड़ी जगह को खुदावन, क्योंकि आपका प्लान हमारे लिए बड़ा है, इस चर्च के लिए बड़ा है परमेश्वर खुदावन। हम खुदावन बढ़ते जाएंगे आपके नाम में खुदावन, आप जो जगह हमें दे रहे खुदावन बड़ी अच्छी है, हम
उसको देख चुके विजनों में खुदावंद, खुदावंद वहां पर हर फैसिलिटी होगी, कोई टाइम लिमिट नहीं होगी खुदावंद, हम खुले तरीके से खुदावंद आपकी वर्शिप कर पाएंगे खुदावंद, प्रार्थना कर पाएंगे खुदावंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर चीज जो हमारी विशेष है के रूम्स होने चाहिए, ऐसे ऐसे हमारी जो भी है खुदावंद आप जानते हो, क्योंकि वचन कहते हैं मांगने से पहले जानता हूँ खुदावंद आप देने में सामर्थ्य हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस नई जगह के लिए, एडवांस में आपका थैंक्स करता हूँ खुदावंद, हमारी आत्मिक उन्नति कर खुदावंद, हमारे चर्च को और बढ़ा परमेश्वर, इस बोझ को खुदावंद हम उठा सके यहोवा, आपके नाम में खुदावंद गैदरिंग हो खुदावंद, लोग बचे मुहे बचे यहोवा, हमारी आज प्रार्थना है खुदावंद, थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, इस समय हम ताली बजाएंगे, अपनी जबानों को खोलेंगे, आप लोग सब चर्च को पर्सनल रूप से जानते हैं, आप लोग सब चर्च को पर्सनली प्रेम करते हैं, और इस समय हम लोग उसी चर्च के लिए दुआ कर रहे हैं, ये चर्च हमारे लिए नहीं, ये हम चर्च परमेश्वर के लिए दुआ कर रहे हैं, ये चर्च केवल आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगा, बहुत सारे और भाई बहन इस समय इंडिया से और अलग अलग जगह से जब सिंगापुर में आते हैं, ये चर्च उनके लिए भी आशीष का कारण बनेगा, हम इस विश्वास की आंखों से देखते हैं कि साईं चर्च एक टावर की तरह होगा, और वहाँ लोग आएंगे और आशीष पाएंगे, वहाँ लोग आएंगे और छुटकारा पाएंगे, वहाँ लोग आएंगे और बंधन टूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से परिवार आपस में जुड़ जाएंगे, हम सबों का जीवन बदल जाएगा खुदावन, आपके जीव रीति के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, प्रभु इस समय हमारे साईं चर्च की बिल्डिंग के लिए हम दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं फाइनेंसेस के लिए, हम दुआ करते हैं जितने भी पैसों की जरूरत है उन सबों के लिए खुदा, क्योंकि आप में सब कुछ संभव है, हे प्रभु हम दुआ करते हैं समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से खुदा आप जानते हैं हमारे कलीसिया के लोगों को कौन सा समय सूट करता है, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से सूटेबल टाइम हमें मिलने पाए, हे प्रभु हम दुआ करते हैं लोकेशन के, हम अपनी मर्जी, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना चाहते, हम जानते हैं खुदा आप हमारे लिए बेस्ट मुहैया कराएंगे, और इस समय हम आपकी विश्वास योग्यता में जाना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं खुदा कि तूने हमें वो मुहैया कर दिया है, इस समय विश्वास की आंखों से देखते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, हे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके समय में बेस्ट लोकेशन में बेस्ट फैसिलिटी के साथ साईं चर्च को एक नई बिल्डिंग के रूप में आप ब्लेस करें खुदा, हे प्रभु हम दुआ करते हैं आने वाले हफ्तों में हम खुले दरवाजों को देखने पाएंगे, सुनने पाएंगे, और हम खुदा दुआ करते हैं जो रास्ता आपकी तरफ से है वो एक के बाद एक सफल होता जाएगा, यीशु मसीह के नाम से हम रिलीज करते हैं इस समय आपके आशीष को, ब्लेसिंग को साई चर्च के लिए, हे प्रभु साई चर्च के लिए हम विश्वास योग्यता के साथ खड़े होना चाहते हैं, हे प्रभु साई चर्च की नींव हम चाहते हैं आपके वचन से खड़ा किया जाए खुदा, हे प्रभु साई चर्च हम सबों के लिए एक आशीष का कारण है, हम सब साई चर्च के हिस्सा है, हम चाहते हैं हम सब निजी रूप से आप में बढ़े खुदा, हे प्रभु साई चर्च के द्वारा खुदा बहुत तेरे लोग आपको जानने पाए खुदा, हे प्रभु साई चर्च के लोग जब हमें देखें हमारे टी शर्ट को देखें तो उस समय खुदा वो लोग हमारे अंदर हमारे विश्वास को और हमारे जीवन को देखने पाए और उसके द्वारा उनका जीवन बदल जाना पाए, हे प्रभु इस समय दुआ करते हैं एकता के लिए, यीशु मसीह के नाम से हिंदी मिनिस्ट्री के अंदर दुआ करता हूँ खुदा में एकता के लिए, हमारे हृदय एक होने पाए, हमारा हृदय एक दूसरे के लिए प्रेम से भरा हुआ हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से हर एक चुगली की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हर एक भटकाने वाली आत्मा को मैं कैंसिल करता हूँ, हर यीशु मसीह के नाम से हर एक झूठ की आत्मा को मैं कैंसिल करता हूँ, और इस समय यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा मैं इस समय आपके प्रेम को साई चर्च के अंदर रिलीज कर देता हूँ, वो प्रेम हम सबों को छुए भर दे और वो प्रेम हम सबों के जीवन में एक दूसरे के लिए नजर आने पाए, हे प्रभु इस समय दुआ करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को एक बड़े मसीह परिवार से ब्लेस किया है, ये प्रभु इस परिवार में आपकी शांति एकता और प्रेम अब और सर्वदा बना रहे, इस समय हम दुआ करना चाहते हैं इंग्लिश मिनिस्ट्री के लिए, तेलुगु मिनिस्ट्री के लिए, तमिल मिनिस्ट्री के लिए, बंगला मिनिस्ट्री के लिए और हिंदी मिनिस्ट्री के लिए, आप सभी मिनिस्ट्रीज में खुदा प्रेम हो, एकता हो और खुदा आपका आत्मा हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हे प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने सब कुछ संभव है, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं और हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन हालेलुया, थैंक यू जीसस, अपनी जगह पे बैठ जाएंगे।
थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चलिए हम लोग एक बार जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर। शेयर कर दिया साइट चर्च का, कितने लोगों को नहीं पता था तो आज पता चल गया है कैसे परमेश्वर ने साइट चर्च को संभाला है। ये वैंस भी परमेश्वर की अद्भुत टेस्टिमनी है साइट चर्च के लिए, परमेश्वर ने कैसे साइट चर्च को ब्लेस किया है। तो इस समय हम लोगों के पास समय होगा, हम लोग अपनी गवाहियां शेयर करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। अपने अपने मनों को हम लोग तैयार करेंगे गवाही के लिए। शर्माना नहीं है, जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए और करवाने के लिए नहीं शर्माते हैं तो हम लोग को गवाही देने के लिए भी नहीं शर्माना। आमीन, आमीन। तो हम लोग विश्वास योग्यता के साथ गवाही भी देंगे और परमेश्वर को जब हम महिमा देते हैं तब परमेश्वर हमें और ब्लेस करता है ताकि उसके नाम को और ज्यादा महिमा मिले। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और हम लोग गवाही ना दे तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिली। तो अपने हम लोग मनों को तैयार करेंगे, हम लोग इस समय गवाही में आगे बढ़ेंगे और हम लोग एक सॉन्ग में इस समय जाएंगे। और सिस्टर परवीन और सिस्टर ग्रेसी हम लोगों को सॉन्ग में लीड करेगी। तो इस समय जब सॉन्ग होता है हम लोग दो काम करेंगे। नंबर वन, हम लोग अपने दानों को देंगे, तो दानों के लिए भी परमेश्वर हमारे मनों को तैयार करे। नंबर टू, हम लोग अपने अपने मनों को तैयार करेंगे अपनी गवाही के लिए और सॉन्ग के बाद हम लोग गवाही में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए इस समय मैं दुआ करूंगा दानों के लिए। पिता परमेश्वर, इस समय आप हमारे मनों को तैयार करें कि हम हर्ष के साथ आपको दें खुदा, और खुदा उस दान पर आपकी आशीष हो, देने वाले के ऊपर आपकी आशीष हो, उस दान के द्वारा अद्भुत काम हो खुदा आपके राज के विस्तार के लिए और देने वाले के घर में किसी चीज की कमी ना हो, घटी ना हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ, आमीन आमीन।